नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अनुमिस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BA में पांच ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि टॉप लेवल पे चल रहा है, यानी कि आज के डेट में अगर हमें जॉब पाना है तो BA में कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लेके चलें ताकि आगे जो है हम किसी न किसी पोस्ट पे रहें। यानी कि BA में जो कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, जो कि सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है जो कि आज के डेट में, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि अगर आप BA करते हैं तो उस सब्जेक्ट से अगर आप BA करेंगे तो आप अपना करियर बहुत ही अच्छा बना पाएंगे और आगे चल के जो है किसी न किसी पोस्ट पे आप जरूर रहेंगे, यानी कि आपको जॉब मिलनी ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BA में टॉप 5 सब्जेक्ट के बारे में, जो कि अगर आप उस सब्जेक्ट से BA करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। वैसे तो देखें तो BA में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे लगभग आपके 24 से एवं भी सब्जेक्ट होते हैं, लगभग 24 सब्जेक्ट तो होते ही हैं। तो BA में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट में से कौन सा टॉप लेवल पे सब्जेक्ट है, कौन सा आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप करते हैं तो आप जो है जॉब पा सकते हैं, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि BA में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हर एक कॉलेज में जो है हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट से BA करना चाहते हैं और जिस कॉलेज से करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस कॉलेज में देखना होगा कि जिस सब्जेक्ट से आप BA करना चाहते हैं क्या वो सब्जेक्ट उस कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं, तभी जो है आप उस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके BA में हमने बताया बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो हर कॉलेज में जो है हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कॉलेज यानी कि जितने भी कॉलेज होते हैं सबका, हर कॉलेज का जो है कुछ सब्जेक्ट होता है जो कि फिक्स होता है और उस कॉलेज में जो है वही सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो आपको ये चीज पहले देखना होगा कि आप जिस सब्जेक्ट से करने जा रहे हैं उस कॉलेज में है कि नहीं है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लें कि BA में लाइक कितने आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम आपको कुछ नाम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट नंबर पे पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये तीनों लैंग्वेज आपकी आ जाती है, फिलोसफी है, जियोग्राफी आपका आ जाता है, या फिर जो है साइकोलॉजी, एजुकेशन, और इसमें जो है आपका लिटरेचर भी आता है, होम साइंस भी आता है। ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके जो कि माने जाने थोड़े सब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको कुछ के नाम बताए जो कि आपके BA में सब्जेक्ट होते हैं। और जैसे कि आप इकोनॉमिक जानते हैं, इकोनॉमिक भी BA में होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, इस टाइप के बहुत सारे सब्जेक्ट जो है आपको BA में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से सारे सब्जेक्ट जो है हर कॉलेज में नहीं मिलता है। तो कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लगभग आपको हर एक कॉलेज में अवेलेबल होगा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपको हर कॉलेज में मिल जाता है। इकोनॉमिक हो गया, ये भी आपको हर कॉलेज में मिल जाता है। हिंदी हो गया, संस्कृत, इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज आपको हर कॉलेज में मिलेगा। एजुकेशन हो गया, एजुकेशन भी आपको जो है मिल जाएगा किसी भी कॉलेज में। तो इस टाइप के जितने भी आपके, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री भी आपको कॉलेज में मिल जाता है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हमने बताया ये बहुत ही इजीली आपको किसी भी कॉलेज में मिल जाता है। तो अगर आपको इसमें से कोई सब्जेक्ट से करना है तो आप जो है कर सकते हैं। और बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट आपका कंबाइन करेगा ताकि जो है बेस्ट रहे, तो इस पे जो है मैंने पार्टिकुलर वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सब्जेक्ट के बारे में जो कि BA में लेना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं टॉपिक पे। और यहाँ पर अभी तो हम लोगों ने जाना कि BA में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से इजली सब्जेक्ट आपको हर कॉलेज में मिल जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग पांच ऐसे बेस्ट सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे जो कि BA में सबसे अच्छा है और ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करें तो वो है पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस जो कि काफी अच्छा सब्जेक्ट है, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस से BA कर लेते हैं तो आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भी काफी अच्छा जॉब कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी अच्छा जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जो है कोई भी वैकेंसी आप फिलअप कर सकते हैं,
हैं, और जो है जैसे कि आप आईएएस बीसीएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आप पॉलिटिकल साइंस से बीए करते हैं तो। तो सबसे टॉप लेवल पे जो कि फर्स्ट नंबर पे हमने रखा है वो है पॉलिटिकल साइंस, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इससे आप बीए करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर देखें तो सेकेंड नंबर पर जैसे मान लीजिए इंग्लिश हो गया, तो फ्रेंड्स जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है ये भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें भी बहुत अच्छा जॉब है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब है। आप देख रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी आ रही है, अगर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं जैसे बैंक वगैरह हो गया, तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें भी आपका जो है इंग्लिश का पोर्शन आता है। तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप जो है कंपटीशन जो है क्रैक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बात कि अगर यहाँ पर जितने भी हम पांच सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये जो है कंपटीशन के दौर में सबसे टॉप लेवल पर चल रहा है, यानी कि अगर आपको इससे डर नहीं है कि कंपटीशन हम नहीं निकाल पाएंगे तो आप इन सब्जेक्ट को लेके अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि कंपटीशन में अगर देखा जाए तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही टॉप लेवल पर चल रहे हैं और कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा है इसमें, क्योंकि जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है टॉप लेवल पर चलती है, जो चीज़ें ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं कंपटीशन उसी में ज़्यादा रहता है। तो कंपटीशन से आपको बिल्कुल डरना नहीं है, अगर आपकी तैयारी बेहतर है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है जरूर पोस्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे हमने बात किया इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर में हमने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल सकती है, और प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो इंग्लिश के टीचर जो है वो बहुत कम मिलते हैं, तो आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं एज ए टीचर, या फिर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वगैरह में हो गया, ऐसे बहुत जगह है जहां पर कि इंग्लिश की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप जो है वहां पर जो है पोस्टेड हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो हमने थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट रखा है बीए में वो है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक से अगर आप बीए करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। इकोनॉमिक पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि बीए अगर आप इकोनॉमिक से करते हैं तो किस तरीके से आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा, क्या उसमें जॉब स्कोप है, ये उसमें हम लोगों ने बहुत ही डीपली पढ़ा है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इकोनॉमिक भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप जो है इकोनॉमिक से बीए कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक से बीए करते हैं तो इकोनॉमिक वालों के लिए पार्टिकुलर वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में आप जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप जो है किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, वहां पर जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी वर्क होता है मैनेजमेंट का, यानी कि इकोनॉमिक में आपको क्या करना होता है तो अर्थशास्त्र से रिलेटेड ये होता है, यानी कि इसमें जो है आपको जितने भी इनकम वगैरह होती है उसे रिलेटेड जो है आपको मैनेजमेंटिंग का काम करना होता है, उसमें वो मैनेजमेंट करना होता है। तो जो भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें इन सभी लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप जो है इकोनॉमिक से भी करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, दोनों में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पर हमने रखा है होम साइंस। जी हाँ फ्रेंड्स, होम साइंस भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। होम साइंस अगर आप का इंटरेस्ट है इसमें तो आप जो है होम साइंस से भी बीए कर सकते हैं। होम साइंस में मैंने पार्टिकुलर वीडियो बना रखी है, उसमें भी हमने होम साइंस से अगर आप बीए करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस करना होगा, क्या क्या जॉब स्कोप है, अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है हमने उस वीडियो में बता रखी है। तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता दें कि होम साइंस से बीए करना बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। और यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट कि अगर आप एक लड़की हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए बेस्ट, लेकिन शायद ये वीडियो कोई बॉयज देख रहा हो तो आप ये सोच रहे होंगे कि होम साइंस हमारे लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, होम साइंस सब्जेक्ट चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज हो दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट है, आप जो है इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला हम बात करते हैं जो कि पांचवें नंबर पे है वो है संस्कृत। जी हाँ फ्रेंड्स, संस्कृत जो सब्जेक्ट है ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि संस्कृत जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेते हैं और ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें स्कोप नहीं है, लेकिन संस्कृत कम लोग लेते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको इजीली जॉब मिल सकती है। अगर आप बीए संस्कृत से किए हैं तो इसके लिए भी पार्टिकुलर आपकी वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आप एज ए टीचर जॉब कर सकते हैं संस्कृत के टीचर के रूप में, क्योंकि संस्कृत का टीचर अगर हम ढूंढने लगे तो हमें बहुत कम मिलता है, ज़्यादा जो है इजिली नहीं मिल पाते हैं संस्कृत के टीचर। तो अगर आप संस्कृत में इंटरेस्टेड हैं तो आप संस्कृत से भी जो
है बीए कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर 5 बेस्ट सब्जेक्ट के बारे में देखा जो कि बीए में अगर आप करते हैं तो काफी अच्छा है। अब यहाँ पर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि बीए में हम लोगों को 3 सब्जेक्ट लेना होता है, 3 सब्जेक्ट में आपको कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना है तो आप जो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने 5 सब्जेक्ट बताया इसमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं, या फिर आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं और 2 सब्जेक्ट कोई आप अदर ले सकते हैं जो कि आपका जिसमें अच्छा इंटरेस्ट हो, जो कि आप चाहते हो। तो इस तरीके से जो है आप कॉम्बिनेशन बना के 3 सब्जेक्ट जो है बीए में सेलेक्ट कर सकते हैं और इन सब्जेक्ट को लेके आगे अगर आप करते हैं तो आप अपना करियर काफी बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आगे भी ऐसे सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाते रहें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम उस पर पार्टिकुलर आपके लिए वीडियो भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।